हेलो मॉडल्स, तो रिसेंटली अंडर 35,000 के सेगमेंट में दो काफी तगड़े फोन्स इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 3 एंड Iconeo 7 Pro की, और इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। लेट्स बिगिन। OnePlus Nord 3 के बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB का प्राइस 33,999 है, एंड Iconeo 7 Pro के बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB का प्राइस 34,999 है। दोनों में ही आपको सेंटर पंच और कटआउट वाला फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। Nord 3 में ड्रैगन ट्रेल ग्लास प्रोटेक्शन है, वहीं पे Neo 7 Pro में शॉट सेंसेशन अप का। दोनों के ही फ्रेम प्लास्टिक के हैं। Nord 3 के बैक पैनल पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, बट Neo 7 Pro में दो मटेरियल्स का ऑप्शन मिलेगा, एक ऑरेंज वीगन लेदर बैक का जो कि बेसिकली प्लास्टिक ही है लेदर फिनिश के साथ, और दूसरा ब्लैक एजी ग्लास का। Nord 3 का थिकनेस 8.2 mm है एंड वेट 193.5 ग्राम्स, वहीं पे Neo 7 Pro का थिकनेस 8.9 mm है, लेदर बैक वेरिएंट का वेट 195 ग्राम्स और एजी ग्लास बैक वेरिएंट का वेट 200 ग्राम्स के राउंड है। दोनों में ही IR ब्लास्टर प्रेजेंट है एंड 3.5 mm जैक मिसिंग है। बट दो चीजें आपको यहाँ पे OnePlus Nord 3 में एक्स्ट्रा मिल रहा है, अलर्ट स्लाइडर एंड IP54 रेटिंग फॉर स्प्लैश एंड डस्ट प्रोटेक्शन, जो कि Iconeo में मिसिंग है। डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, तो वो आप डिसाइड करो कि आपको किसका डिजाइन पसंद है। OnePlus Nord 3 में 6.74 इंचेस का सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 1.5K रेजोल्यूशन वाला, विथ 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट एंड 1000Hz टच सैम्पलिंग रेट, 450 PPI की पिक्सल डेंसिटी है एंड 1450 nits पीक ब्राइटनेस। Iconeo 7 Pro में 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, विथ 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 360Hz टच सैम्पलिंग रेट एंड 1200Hz इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 388 PPI की पिक्सल डेंसिटी है एंड 1300 nits पीक ब्राइटनेस है। दोनों ही 10 बिट पैनल है एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को सपोर्ट करते हैं, और दोनों में ही वाइड बाइन L1 का सपोर्ट, 100% DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट एंड HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। बट OnePlus Nord 3 का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बेटर रेजोल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी और ब्राइटनेस है। स्पीकर्स की बात करें तो Nord 3 में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे विद Dolby Atmos सपोर्ट, और Neo 7 Pro में भी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है बट हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ में। OnePlus Nord 3 MediaTek के Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ आता है, पेयर्ड विथ Mali G710 MP10 GPU, बट Iconeo 7 Pro Qualcomm के Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ आता है, पेयर्ड विथ Adreno 730 GPU। दोनों ही प्रोसेसर लास्ट ईयर के फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं, तो बहुत ही पावरफुल हैं और पावर एफिशिएंट भी, क्योंकि 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। Nord 3 का मैक्स क्लॉक स्पीड 3.05 GHz है, वहीं पे Iconeo 7 Pro का 3 GHz। Nord 3 का N22 benchmark score 1 million plus आता है परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद, एंड Iconeo 7 Pro का 1.2 million plus। Nord 3 में LPDDR5X टाइप रैम मिलेगा, जो कि फास्टेस्ट रैम टाइप है, बट Neo 7 Pro में LPDDR5 टाइप रैम है एंड स्टोरेज दोनों में UFS 3.1 टाइप है। दोनों में ही VC कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, Nord 3 में 4129.8 mm स्क्वायर का एंड Neo 7 Pro में 4013 mm स्क्वायर का। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही पावरफुल है, डे टू डे वर्क में आपको Nord 3 के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगा एंड मॉडरेट गेमिंग आराम से कर सकते हो, बट Iconeo 7 Pro का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Nord 3। और साथ ही Neo 7 Pro में आपको डेडिकेटेड गेमिंग चिप भी मिल जाता है, जो कि 60fps गेमिंग को बूस्ट करके 120fps कर देता है। सो स्पेशली गेमिंग के मामले में Iconeo 7 Pro ज्यादा बेटर है। दोनों ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, Nord 3 ऑक्सीजन OS 13.1 के साथ एंड Neo 7 Pro फंटच OS 13 के साथ। सो Iconeo 7 Pro में ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिलेगा। दोनों में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, दोनों में ही रियर पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विथ YES सपोर्ट प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो कैमरा आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट मेन सेंसर में डिफरेंस है। OnePlus Nord 3 का मेन सेंसर सोनी का फ्लैगशिप IMX890 सेंसर है, वहीं पे Neo 7 Pro में सैमसंग का GN5 सेंसर है। दोनों ही सेंसर्स अच्छे हैं, बट OnePlus Nord 3 का मेन कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू Iconeo 7 Pro। दोनों के रियर कैमरा मैक्सिमम 4K एट 60fps रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं एंड फ्रंट कैमरा 1080p एट 30fps। अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए तो आप OnePlus Nord 3 के साथ जा सकते हो। दोनों में ही 5000mAh की बैटरी मिलेगी, Nord 3 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड Iconeo 7 Pro 120W फास्ट चार्जिंग को, और अच्छी बात है कि दोनों ही कंपनीज चार्जर बॉक्स में ही देती है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलेगा। दोनों 4G कैरियर एग्रीगेशन एंड 5G को सपोर्ट करता है। नेसेसरी सभी सेंसर्स दोनों में है, इंक्लूडिंग X-axis लीनियर मोटर, IR ब्लास्टर एंड NFC सपोर्ट।
नाउ फाइनल वर्डिक्ट, सी अगर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन चाहिए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ तो आप आईक्यू नियो 7 प्रो ले सकते हो, वरना ओवरऑल वन प्लस नॉट 3 बेस्ट है। आईक्यू नियो 7 प्रो का गेमिंग परफॉर्मेंस बस इससे थोड़ा बेटर है। सो ये था वन प्लस नॉट 3 वर्सेस आईक्यू नियो 7 प्रो का कंपैरिजन। अगर आपको किसी और फोन का भी कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस उसका वीडियो ये रहा, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाय।